सतना में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में बीजेपी नेता गिरफ्तार, पार्टी ने दिखाया बाहर का रास्ता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक बीजेपी नेता को 17 साल की नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी नेता पर सिविल लाइन थाने में धारा 354, 354 का एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत प्रकरण कायम हुआ है। इसी बीच बीजेपी जिलाध्यक्ष ने आरोपी नेता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बताया जाता है कि नाबालिग कॉलेज छात्रा से लिफ्ट देने के बहाने छेड़छाड़ करने के आरोपी सतना बीजेपी के सोहावल मंडल अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसकी बोलेरो गाड़ी भी जब्त कर ली है। छात्रा इंदिरा कन्या महाविद्यालय सतना में प्रथम वर्ष की छात्रा है। वह अपने गांव से रोजाना कॉलेज आती जाती है। शनिवार को वह कॉलेज जाने के लिए निकली थी। इसी बीच बीजेपी सोहावल मंडल का अध्यक्ष कल्याण सिंह वहां पहुंच गया। उसने छात्रा को कॉलेज छोड़ने की पेशकश की। छात्रा के परिजन भी कल्याण सिंह से परिचित थे, इस वजह से उन्हें भी कोई एतराज नहीं हुआ और वे भी छात्रा को उसके साथ उसकी बोलेरो से भेजने को राजी हो गए। कुछ दूर चलने के बाद कल्याण सिंह की बुरी नीयत से छात्रा के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। छात्रा ने उसकी हरकत का विरोध किया और अपने परिजनों को फोन लगा दिया। बीजेपी नेता के खिलाफ छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप, नाबालिग छात्रा ने परिजनों को बीजेपी नेता की करतूतें बताई और फिर सिविल लाइन थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। कुछ ही देर के अंदर सिविल लाइन पुलिस ने बीजेपी नेता कल्याण सिंह को गिरफ्तार कर उसकी बोलेरो जब्त कर ली। TI सिविल लाइन योगेंद्र सिंह के मुताबिक नाबालिग छात्रा की शिकायत पर आरोपी बीजेपी नेता के खिलाफ धारा 354 का और पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत प्रकरण कायम हुआ है। सत्ता की बीजेपी अध्यक्ष सतीश शर्मा ने बताया कि रैगांव विधानसभा क्षेत्र के सोहावल मंडल के अध्यक्ष कल्याण सिंह के ऊपर एक नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ का आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने के कारण बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा के निर्देशानुसार मंडल अध्यक्ष के दायित्व सहित पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया जाता है। नाबालिग लड़की अपने परिजनों के साथ थाना पर सीधा रिपोर्ट करती कि रामपुर चौरासी के रहने वाले कल्याण सिंह है, वो उसको कॉलेज ले आने के बहाने अपने साथ गाड़ी में लेके गए थे। उसके साथ गाड़ी में बैठी थी और उस दौरान उसके साथ दुराशय किया है। तो इसी की रिपोर्ट इसी की रिपोर्ट पर से हमने अपराध पंजीबद्ध कर लिया और उसमें विवेचना की जा रही है। जैसे तथ्य आते हैं उसमें अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। कौन धारा इसमें लैंगिक हमले 354 की लगी और 501 की धारा लगाई है। विष्णुकांत त्रिपाठी, दैनिक भास्कर, सतना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।